नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। कब होगी उनकी घर वापसी? कलेक्टेरिएट परिसर में गैंग रेप, कहां हुआ बाल सुसाइड, लूट में मास्टरी, क्या है ट्रेन के सफर का जुर्म, जुर्म की दुनिया का पूरा हाल बताएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। उनकी आंखों में आंसू है, परिवार सदमे में जी रहा है, किसी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो लगातार लगा रहे हैं घर वापसी की गुहार, लेकिन नहीं हो रही इस गुहार पर कोई सुनवाई। कब होगी उनकी घर वापसी, आप जरा खुद देखिए। परदेश में बहा रहे आंसू, बहुत जल्दी फंसे हुए साहब, कितना दिन से तो घर वाले को पैसे नहीं दे पाया। 7 महीना हो गया हमको यहाँ पड़ा आया होगा, नहीं सूझ रहा कोई रास्ता। क्या करें, हमको खुद जैसे नहीं समझ में आ रहा है। सदमे में जी रहा परिवार, कब होगी इनकी घर वापसी? ये दर्द और आंसू हैं उन लोगों के जो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। क्या करें, हमारा बीवी बाल बच्चे क्या करें सब। जो अब घर वापसी के लिए फरियाद कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, इनकी आंखें नम हैं और आवाज भी लड़खड़ा रही है। ये बस इतना चाहते हैं कि परदेश से इनकी घर वापसी हो जाए। पैसा नहीं दे पाया, हम लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए साहब, कितना दिन से तो घर वाले को पैसा नहीं दे पाया। अब हम क्या करें, हमारा बीवी बाल बच्चे क्या करेंगे साहब। ये दर्द है बिहार के 39 लोगों का जो कमाने के लिए परदेश गए थे, लेकिन परदेश जाने के लिए इन 40 लोगों को कोई सात समंदर पार नहीं करना पड़ा था। महज एक समंदर पार कर ये 40 लोग श्रीलंका पहुंचे थे, तब इन्हें ये मालूम नहीं था कि इन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। भारत के कुल 77 लोग श्रीलंका में फंसे हुए हैं, इनमें से 40 बिहार के रहने वाले हैं। गोपालगंज और सीतामढ़ी के लोग भी फंसे हैं। इनका परिवार आज सदमे में है और अपने परिजनों के लौट आने का इंतजार कर रहा है। इकराम नाम का आदमी, मेरे लड़का मोहम्मद सरफराज आलम, मोहम्मद अफाक आलम को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका भेजने के बाद उन लोगों को 3-4 महीना सैलरी ठीक है मिला, इधर आके 2 महीने का सैलरी रोक दिया, खाने पीने में दिक्कत होने लगी, इसके लिए वो लोग काफ़ी परेशान हैं वहाँ। परिवार वालों की माने तो मुजफ्फरपुर के एक एजेंट के जरिए सीतामढ़ी के 10 लोग श्रीलंका गए थे। इन लोगों को 20,000 रुपये महीने पर नौकरी मिली। कोलंबो के भूवलका स्टील इंडस्ट्रीज में सभी को बतौर मजदूर रखा गया, लेकिन पिछले कुछ महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। ये लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, अब वतन लौटना चाहते हैं। गाजीपुर जिले का रहने वाला हूं, मैं भूवलका स्टील में काम करता हूं। ब्रज किशोर कुमार बोल रहा हूं, श्रीलंका भूवलका स्टील से। 7 महीना हो गया हमको यहाँ पड़ी आया हुआ, 4 महीना के पैसा गया है, 2 महीना के पैसा नहीं गया, मैं इसी के ऊपर आधारित हूँ। अब क्या करें, हमको खुद जैसे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से अभी 3 घंटे पहले मैनेजर आकर के धमकी दिए हैं कि अगर तुम लोग जैसे कि काम नहीं करेगा तो तुम लोग को जैसे कि केस में फंसा देंगे, केस लड़ा देंगे। कहाँ से खाने के लिए तो पैसा नहीं है, हम कहाँ से जैसे केस लड़ेंगे। इंडियन सरकार से हम तो अनुरोध है कि हमको किसी भी तरह इंडिया बुलाइए। हालात ये है कि अब इन लोगों को कंपनी से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा, वतन लौटने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। ऐसे में परिवार वालों का भी हाल बुरा है। पीड़ित मजदूरों ने अपना दुखड़ा भारतीय दूतावास को सुनाया, लेकिन कोई पहल नहीं हुई, परिजन भी परेशान है। उसको गए हुए 5-6 महीना हुआ,
तो ये 3-4 महीना ठीक ठाक चला, ये लगभग 1-2 महीना से उसका प्रॉब्लम चल रहा है। अभी तक जो है पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगा है, न उन लोगों को बाहर जाने की अनुमति मिलती है, इसीलिए वो किसी कैद में गुजार रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह करके यहाँ की गवर्नमेंट की सहायता की, ऐसे हमारा भाई जो है दोनों वापस आ जाना चाहिए। सीतामढ़ी से उनके कितने दोस्त महीम होंगे? लगभग जो है 9-10 दोस्त महीम है, जो डिटेल में हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन मीडिया में मामले की खबर आते ही सियासी रंग भी परवान चढ़ने लगा, राज्य में सत्ताधारी पार्टी हरकत में नजर आने लगी। देखिए, खबर मीडिया के माध्यम से इस ढंग की आ रही है तो सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहारी मजदूर संकट में पड़ जाए तो केंद्र सरकार को तो अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो इनका तटीय क्षेत्र में जो सुरक्षा का वादा था, अगर ऐसी घटना हुई है तो तटीय सुरक्षा का वादा जो इनका था उसकी कलई भी खुली है। राज्य सरकार को संज्ञान में, राज्य सरकार तो त्वरित कार्रवाई इसे अनुरोध करेगी, हमारे अधिकार क्षेत्र में तो अनुरोध करना है, वो अनुरोध हम करेंगे केंद्र सरकार से। पूरे देश में घर वापसी की चर्चा चल रही है, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में बेहाल इन लोगों की घर वापसी कब होगी? सरकार बेहाल परेशान इन लोगों के लिए क्या करती है ये देखना है। उम्मीदों के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं इनके परिवार, और उम्मीदें कब होती हैं पूरी, इस बात का हम सभी को इंतजार रहेगा। गोपालगंज से मधेश कुमार तिवारी के साथ सीतामढ़ी से त्रिपुरारी। इधर बिहार में थम नहीं रहे गैंगरेप के वारदात, हैवानों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब कलेक्टोरेट परिसर में भी रेप करने से बाज नहीं आ रहे। सरकारी अधिकारी का सरकारी ड्राइवर भी इस गैंगरेप में शामिल था। समाहरणालय परिसर में गैंगरेप, पुलिस को भनक तक नहीं। कुछ ही दूरी पर हैं कई अधिकारियों के कार्यालय। हैवानों को किसी का खौफ नहीं। मुजफ्फरपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां के कलेक्टोरेट कैंपस में एक युवती से गैंगरेप किया जाता है, लेकिन पुलिस को खबर तक नहीं होती। उन हैवानों की हिम्मत तो देखिए, अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए जो जगह चुनी वो इलाका वीवीआईपी एरिया में आता है। यहां से महज कुछ ही दूरी पर जिला नियंत्रण कक्ष, एसएसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, आईजी और डीआईजी के दफ्तर भी हैं, लेकिन नाक के नीचे होता है गैंगरेप। इसमें ये प्रतिबंधित किया है कि वो अपने किसी जानकार आदमी से मिलने के लिए आई थी और जाने वाली थी, और स्टेशन के पास ही उसे कुछ लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया है। बाद में हम लोगों को जब सूचना मिली, हम उसकी छानबीन किए हैं। उसने 5 आदमियों के बारे में बताया है कि उसके किया बलात्कार। इस वारदात में एक प्रशासनिक अधिकारी का निजी ड्राइवर भी शामिल है। पीड़ित युवती बंगाल से आई थी, उसे यहाँ किसी से मिलना था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उसे 4 लोग मिल गए। ये लोग युवती को उठाकर कलेक्ट्रेट परिसर में ले आए, जहाँ उसके साथ दरिंदगी की गई। एक गाड़ी के अंदर 5 लोगों ने इस युवती के साथ गैंगरेप किया। उनमें से एक की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और सभी के बारे में जानकारी या छानबीन की जा रही है, और गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, यथासंभव गिरफ्तार। आरोपी की पहचान हो गई है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। संग्रहालय परिसर की बात हो तो नहीं आई है, वो DRDA का कोई ड्राइवर था, संवेदक उसी के बारे में आया है कि वो उसमें इन्वॉल्व है, उसको भी हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना के बाद युवती ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी आरोपियों की शिनाख्त कर लेने का दावा किया है।
इन सब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। द्वारा शिकायत किया गया कि थाना के बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ युवकों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। जीआरपी थाना द्वारा इसकी सूचना टाउन थाना को दी गई और दोनों थानों में मिलकर त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद थे उसमें से गिरफ्तारी की और अभी कार्रवाई जारी है। हैवानों की टीम में शामिल एक गुनहगार पहुंच चुका है सलाखों के पीछे, बाकी के लोग भी कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। अब देखना है कि पुलिस के हाथ कितनी तेजी से बाकी आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचते हैं। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। आगे है रेस्क्यू होम में सुसाइड, दिखाएंगे ये खबर लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। दानिश ने खुदकुशी कर ली, वो बाल सुधार गृह में लाया गया था सुधारने के लिए, लेकिन उसने हमेशा के लिए इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। दानिश की खुदकुशी के बाद उसका पूरा परिवार सदमे में है। आखिर क्या हुआ था दानिश के साथ? बाल सुसाइड, बाल सुधार गृह में सुसाइड, एसिड पीकर की बाल कैदी ने आत्महत्या। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में है बाल सुधार गृह। इस बाल सुधार गृह में एक बाल कैदी लाया जाता है। इस बाल कैदी का नाम है दानिश। बताया जा रहा है कि दानिश को चार दिन पहले चौक थाना इलाके से चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से दानिश यही बाल सुधार गृह में था, लेकिन अब वो इस सुधार गृह को हमेशा के लिए छोड़ चुका है। दानिश ने न केवल बाल सुधार गृह बल्कि इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। उसने एसिड पीकर सुसाइड कर लिया। वो तेजाब पी लिया था, तेजाब पी लिया था, आया तो हम लोग उसका गैस्ट्रिक लवाज कराया, उसको कॉरस्पॉन्डिंग दवाई लिखा गया, दवाई दिया गया, ऑक्सीजन लेने गया, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी था कि उसके लंग में जो ये था वो पॉइजन चला गया और उसको सांस लेने में दिक्कत हो गया। फिर हम लोग दवाई दिए लेकिन वो नहीं ठीक हुआ और फिर धीरे धीरे एक्सपायर कर गया। बाल सुधार गृह में दानिश ने सुसाइड किया। उसने एसिड पिया था। जैसे इस बात की जानकारी अधिकारियों को मिली, उनके होश उड़ गए। आनन-फानन में बाल सुधार गृह के अधीक्षक ने दानिश को गंभीर हालत में NMCH में भर्ती कराया, लेकिन दानिश को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल के द्वारा बताया गया है कि एक बच्चा जो दानिश नाम का है चौक थाना से किसी मामले में आया था, बॉयज रिमांड होम में था। आज मॉर्निंग में उसने एसिड पी लिया और उसको इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है और मामले को हम तहकीकात अन्य बिंदुओं पर भी कर रहे हैं। सुब्रेन से किस तरह की बात हुई आपसे, वहाँ और भी कह दी उनके द्वारा भी यही चीज़ बताई गई, बाकी चीज़ पर बंदी पर जाँच कर रहे हैं। क्या कार्रवाई किया जाएगा? विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी बड़ी तारीख का निर्देश पर हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाल सुधार गृह में एसिड आया कैसे? इस घटना ने बाल सुधार गृह की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दानिश के परिजन भी सदमे में हैं। आखिर दानिश की जान किसने ली? सुरक्षा में लापरवाही या फिर केवल खुदकुशी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना सिटी। उसके पास MBA की डिग्री थी, लेकिन वो अपना हुनर जुर्म की दुनिया में दिखाने लगा था। इस बीच उसके रास्ते में आ जाती है पुलिस। फिर क्या हुआ आप जरा खुद देखिए। लूट में मास्टरी, अपराध को बनाया उसने अपना बिजनेस, MBA डिग्री धारी के जुर्म की दास्तान। हाथों में हथकड़ी और सामने पड़े ये हथियार, इसे देखकर आप उतना नहीं चौंकेंगे जितना ये जानकर कि इनमें से एक शख्स MBA पास है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने,
लुटेरों के इस गिरोह में शामिल है एमबीए पास अपराधी। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। टेबल पर रखे ये हथियार बोकारो पुलिस ने बरामद किए हैं। कट्टा, कटार और मोबाइल इन अपराधियों के पास से बरामद हुए हैं और पांच अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पांचों में से एक है रुपेश। रुपेश एमबीए पास है लेकिन डिग्री हासिल करने में सीखे हुनर उसने जुर्म की दुनिया में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने लूट को बना लिया अपना बिजनेस। फिर शुरू होती है एक एमबीए डिग्रीधारी के जुर्म की दास्तान। एक पार्टी से भाला और कटार, दो मोबाइल के साथ मनमोहन कोऑपरेटिव में संदिग्ध होने की अवस्था में सूचना पर आधार पर पकड़ा गया है। ये सभी अपराध की योजना बना रहे थे और कहीं न कहीं कोई बड़ी वारदात करते। इसके पूर्व पुलिस को ये सूचनाएं मिली और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों के आपराधिक इतिहास भी है जो पूर्व में लूट और छिनदेई के कांड में जेल जा चुके हैं। बोकारो पुलिस ने इस गिरोह के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बरामद हथियारों का इस्तेमाल लूट में किया जाना था लेकिन अपराधियों के प्लान धरे के धरे रह गए। पुलिस ने पांचों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बोकारो के मनमोहन कोऑपरेटिव कॉलोनी से गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग यहीं के एक आधे बने मकान में बैठकर लूट की योजना बना रहे थे लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे अपराधियों की नहीं चली और वो बंद हो गए सलाखों के पीछे। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। आपके सुरक्षा से जुड़ी हुई है खबर। क्या है ये खबर दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और वो ट्रेन बिहार से होकर गुजरती है तो फिर सावधान हो जाएं। आप हो सकते हैं लुटेरों का शिकार। और इतना ही नहीं, आपको खुद अपनी हिफाजत करने के लिए भी तैयार होना होगा। ये हम नहीं बोल रहे बल्कि ऐसा रेलवे के अधिकारी बोल रहे हैं। आप खुद देखिए ये चौंकाने वाला खुलासा। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो सावधान। ट्रेन में सफर करना खतरे से खाली नहीं। ट्रेन में लूट और हत्या आम बात। खतरे में यात्रियों की सुरक्षा। यात्रियों को खुद करनी होगी अपनी सुरक्षा। ह्यूमन साइकोलॉजी आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी ह्यूमन बीइंग थे। 50 आदमी थे, 100 आदमी थे, 6 आदमी आपके साथ ये करके चलाएंगे, ठीक है ना। आप में उनमें एक ही डिफरेंस था, उनके पास एक हथियार था, ठीक है। तो सुना आपने, अगर इन साहब की बात माने तो अगली बार से ट्रेन में लुटेरों के साथ पैसेंजर को खुद भिड़ जाना चाहिए। आप इन जनाब के बताए सबक एक बार फिर से सुन लें। ह्यूमन साइकोलॉजी आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी ह्यूमन बीइंग थे। 50 आदमी थे, 100 आदमी थे, 6 आदमी आपके साथ ये करके चलाएंगे, ठीक है ना। आप में उनमें एक ही डिफरेंस था, उनके पास एक हथियार था, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत होता है, डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होता। हंगामा करते ये लोग मुसाफिर हैं। ये मुसाफिर टाटा छपरा एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे लेकिन ये काफी परेशान है और अपनी गुहार लगा रहे हैं। ये लुट चुके हैं, पिट चुके हैं और अपनी गुहार लेकर रेल डीएसआरपी के पास पहुंचे हैं, जहां रेल डीएसआरपी अरुण कुमार दुबे यात्रियों को नसीहत दे रहे हैं। इनकी नसीहत आप एक बार फिर सुन लें। ह्यूमन साइकोलॉजी पर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी ह्यूमन बीइंग थे। 50 आदमी थे, 100 आदमी थे, 6 आदमी आपके साथ ये करके चलाएंगे,
ठीक है ना, आप में उनमें एक ही डिफरेंस था, उनके पास एक हथियार था, ठीक है। ये बहुत होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। टाटा छपरा एक्सप्रेस डाउन में दादपुर हॉल्ट के पास 10-15 नकाबपोश लुटेरों ने लूटपाट करना शुरू कर दिया। ट्रेन छपरा से टाटा जा रही थी। लुटेरे ट्रेन की बोगी संख्या S1 से S4 तक यात्रियों को लूटते रहे। उनके पास चाकू, कट्टा, कुल्हाड़ी जैसे हथियार थे। ये महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे थे। पैसेंजर को अपने सामान देने में देरी करने पर उनके हाथ और उनकी उंगली काटने की धमकी देते थे, लिहाजा हर कोई अपने सामान लुटेरों के हाथ में देने को मजबूर था। कुछ नहीं सुरक्षित, कोई सुरक्षित नहीं है, न महिला है, न जेंट्स है, न बच्चा है, न बूढ़ा है, कोई सुरक्षित नहीं। रेल विभाग के कहना है कि कड़ा से कड़ा सुरक्षा प्रबंध करे। जमुई झाझा रेलखंड के दादपुर हॉल्ट पर यह घटना ट्रेनों में बढ़ते अपराध का छोटा नमूना है। ये ट्रेन में लूट की कोई पहली घटना नहीं, ट्रेनों में लूट की घटनाओं की लंबी फहरिस्त है। लखीसराय में 17 अगस्त को अपराधियों ने मौर्य एक्सप्रेस में लूटपाट की थी। लूट के दौरान अपराधियों ने 2 यात्रियों की हत्या भी कर दी थी। 28 दिसंबर को अपराधियों ने पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों से घंटों लूटपाट की। इस दौरान यात्रियों से मारपीट भी की गई। 31 दिसंबर की रात में विक्रमशिला एक्सप्रेस में दबंगों ने बांका के एक युवक की उंगलियां काट डाली। रेल में बढ़ते अपराध के शिकार सिर्फ यात्री नहीं हो रहे, बल्कि रेलवे के सुरक्षाकर्मी भी अपराधियों का शिकार हो रहे हैं। गुरुवार को मुंगेर में दशरथपुर हॉल्ट के पास अपराधियों ने ट्रेन में 2 सैप जवानों को गोली मार दी, जिनमें से एक जवान की मौत हो गई। घटनाएं कई हैं, लेकिन इनसे निकलने वाला सवाल एक है कि रेल यात्रा कितनी सुरक्षित है। लखीसराय में 17 अगस्त को मौर्य एक्सप्रेस में लूटपाट, लूट के दौरान 2 यात्रियों की हत्या। 28 दिसंबर को पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट। 31 दिसंबर की रात विक्रमशिला एक्सप्रेस में युवक की उंगलियां काटी। 1 जनवरी को मुंगेर में ट्रेन में 2 सैप जवानों को मारी गोली, एक जवान की मौत, एक की हालत गंभीर। यात्रियों से सुरक्षा अधिभार भी लिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि रेलवे यात्रियों को सुरक्षा देने में नाकाम क्यों है। मनीष कुमार, जी मीडिया, जमुई। तो ये है रेल सुरक्षा का दावा। इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। रहिए सावधान और होशियार। पुरवैया क्राइम स्पेशल आपको जुर्म से करता है खबरदार। कल फिर जुर्म के कुछ और खबरों को लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।